बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3 एट पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। यहाँ पर आपको पेज जो है वो नज़र आ रहा है, पेज नंबर 35। जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यानी सही अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर वन है द लिंक ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ डैश, यानी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के कनेक्शन को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के जोड़ को क्या कहते हैं, नेटवर्क। क्या कहते हैं? नेटवर्क, एन ई टी नेट, डब्ल्यू ओ आर के नेटवर्क। नंबर टू पे है डैश एरिया नेटवर्क इज़ जनरली लिमिटेड टू अ सिंगल ऑफिस और अ बिल्डिंग, यानी वो कौन सा नेटवर्क है जो एक बिल्डिंग या एक ऑफिस तक ही महदूद होता है, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है वो? लोकल एरिया नेटवर्क, एल ओ सी ए एल, लोकल। कौन सा? लोकल। नंबर थ्री पे ऑन अ वेबसाइट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट और पेज इज कॉल्ड अ डैश पेज, यानी वेबसाइट के ऊपर पहला पेज या पहला डॉक्यूमेंट जो होगा उसको क्या कहते हैं? होम पेज, एच ओ एम ई, होम, एच ओ एम ई, होम। नंबर फोर पे है डैश एरिया नेटवर्क कैन बी स्प्रेड ओवर डिफरेंट कंट्रीज, कौन सा नेटवर्क है कंप्यूटर का जो मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ होता है, उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू आई डी ई। कौन सा? डब्ल्यू आई डी ई, वाइड। नंबर फाइव पे है ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई एल ई सी, इलेक टी आर ओ एन आई सी, ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक, एम ए आई एल, मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर सिक्स पे है डब्ल्यू 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 स्टैंड्स फॉर, यानी डब्ल्यू 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 का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू ओ आर एल डी, वर्ल्ड, डब्ल्यू आई डी ई, वाइड, डब्ल्यू ई बी, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ये अक्सर हम जो है वेबसाइट जो हैं उनके जब हम एड्रेस देखते हैं तो वो उनके नेम जो होते हैं, तो डब्ल्यू 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 डॉट डाउनलोड डॉट कॉम, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इस तरह से cnn.com, तो वो वहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। नंबर सेवन पे है ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक नेम विच इज़ कॉल्ड इट्स, यानी हर वेबसाइट का जो नेम होता है वो उसका क्या कहलाता है? एड्रेस, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। क्या है? ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। नंबर एट पे है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर्स, यानी वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज जो है वो यानी पैगाम भेजा जाता है, ईमेल। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ईमेल, ई हाइफन एम ए आई एल, मेल। ये जो दरमियान में छोटी सी लाइन नज़र आ रही है इसको बोलते हैं हाइफ़न। हाइफ़न का मतलब होता है ख़त रबत, जो दो अल्फाज के दरमियान रबता कायम कर रही होती है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारी वो कम्प्लीट हो चुकी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नंबर टू पे है फिल द कलर इन द राइट सर्कल्स, हर स्टेटमेंट स्टेटमेंट के सामने टू सर्कल दिए हुए हैं और उनके अंदर येस और नो राइट किया हुआ है। अगर स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी, सही होगी, तो हमने क्या करना है? येस वाले सर्कल को उसके सामने फिल कर देना है। अगर कोई स्टेटमेंट जो होगी वो रॉन्ग होगी तो हमने उस स्टेटमेंट के सामने नो वाले बॉक्स को फिल कर देना है, ठीक है। नंबर वन पे वी कांट ओपन अ पर्टिकुलर वेबसाइट विद आउट इट्स एड्रेस, हम कोई भी वेबसाइट उसके एड्रेस के बगैर नहीं खोल सकते, नहीं ओपन कर सकते। येस, जब तक हमें किसी वेबसाइट के एड्रेस का नहीं पता होगा हम उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते। तो हमने येस वाले को क्या किया? वन स्टेटमेंट के सामने, फर्स्ट स्टेटमेंट के सामने येस वाला जो बॉक्स था उसको फिल कर दिया। नंबर टू पे देखें,
आ वेबसाइट कांट बी ऑफ ओनली वन पेज, वेबसाइट जो है वो एक पेज की नहीं हो सकती। नो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हमने क्या किया, इसके सामने नो वाले बॉक्स को फिल कर दिया। वेबसाइट जो एक पेज की भी हो सकती है, 100 पेजेस की भी हो सकती है। नंबर 3 पे, आ वेबसाइट कांट कंटेन एनी साउंड इन इट, यानी वेबसाइट के अंदर किसी किस्म का कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं होती। नो, तो ये स्टेटमेंट भी क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसके सामने हमने नो वाले सर्कल को फिल कर दिया। वेबसाइट के अंदर साउंड भी हो सकते हैं, म्यूज़िक भी हो सकता है, और ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 पे है, द कंप्यूटर टू विच एन ईमेल मैसेज इज़ टू बी सेंट मस्ट बी इन द सेम कंट्री, यानी जिस कंप्यूटर से हम मैसेज भेजते हैं, कोई भी पैगाम भेजते हैं, तो जिसको भेजें वो जो कंप्यूटर है वो भी उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए। सपोज़ अगर हमने पाकिस्तान में बैठकर मैसेज सेंड किया है, तो वो कह रहा है कि जिसको मैसेज सेंड किया है वो कंप्यूटर भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। नो, हम अगर कंप्यूटर से यानी ईमेल के ज़रिए कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो हम दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री में सेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट में क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसके सामने हमने नो वाले बॉक्स को क्या किया, फिल कर दिया। नंबर 5 पे है, एन ईमेल मैसेज कैन कंसिस्ट मोर देन 100 लाइंस ऑफ टेक्स्ट, यानी वो कहता है कि ईमेल मैसेज जो होता है वो तकरीबन 100 100 लाइन से ज़्यादा जो हो सकता है, बिल्कुल सही है, हो सकता है वो कितनी भी लाइंस पर, वो 100 या 1000 लाइन्स पर भी तकरीबन वो जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पेजेस होते हैं। जब कह लें कि 100 पेजेस होंगे, तो फिर क्या होगा, 100 पेजेस के ऊपर जो है वो 100 लाइन से अबव टेक्स्ट जो है वो हो सकता है, 100 लाइन्स भी हो सकती हैं। तो ये यस स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू थी। तो हमने यस वाले सर्कल को क्या किया, फिल कर दिया। हमारी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज जो थी वो कंप्लीट हो गई, और जो क्वेश्चन थे वो हमने फर्स्ट 3 लेक्चर के अंदर ही सॉल्व कर लिए थे। चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर आपको बेटा किसी चीज़ की कोई समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।